मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरु जी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरु जी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है। गुरु जी आपको मारती है? हाँ गुरु जी, मेरे 10 बार मार चुकी है गुरु जी, और मैं सब गम भूल गई गुरु जी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरे 2 बेटी हैं गुरु जी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरु जी। मैं आपके जब से आपके भागवत सुन रही हूँ गुरु जी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरु जी। अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारती गुरु जी? अरे बात तो कराओ गुरु जी। मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ। क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। निधि, यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ। तो स्कूल? अच्छा सेकंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको मैया। एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे ऐसा। मैंने पता नहीं मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी है, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। मैं बहुत यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात कर ले, क्या कहना चाह रही है? बोलती है गुरु जी अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बोलती गुरु जी तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरु जी इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरु जी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरु जी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात। अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बदल दिया गुरु जी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरु जी सुनिए ना, सुनिए, मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ गुरु जी, मैं कान्हा जी को अपना बेटा बना के रखी हूँ। अच्छा है, पर उसको बात तो करने दो गुरु जी। एक सवाल, जैसे मेरे सास ससुर नहीं है हाँ। तो मैं उनके लिए दान कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। ये बेटी को बात कर पाठक, और ये देखिए पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। हाँ, वो माँ बाप को मार रही, तेरे को छोड़ेगी? पता नहीं, आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। सुनो ऐसे ही कान पकड़ो और बोलो माँ आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। देखिए आप 3 बार हो गए महाराज, आप उसको बोल रहे बोलने दीजिए बेटी को। हाँ अभी 3 बार छीन लिए मुझसे। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना नहीं, और माँ बाप की बात मानना। हाँ। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना और समाज की सेवा करना, और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना था। मैया फिर तुम माइक पकड़ रही हो, पिटोगी ऐसे में? हाँ बैठ जाओ आप। 2 प्रश्न पूछना था, जैसे मेरी दादी खत्म हो गई है। हाँ। और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। हाँ। और मेरा भाई अभी नर्सरी क्लास में है। हाँ। तो मैंने सोचा अपनी दादी के नाम, जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो जाऊँ तो मैं आपके भागवत कराना चाहती। बिल्कुल, भगवान करे आप खूब संपन्न बने बेटा, खूब पैसा कमाएं, पर अपने माँ बाप को मारना मत आज के बाद, ये गलत हाँ। काम बिल्कुल नहीं करना। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने जैसा है। माँ बाप पर कभी अत्याचार ना हो, ठीक है? और ऐसे पाप वगैरह तो नहीं होगा ना, कि जैसे मैं लड़की हूँ तो अपने दादी के नाम से करें, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना महाराज?
ना, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना और अपनी माँ के काम में हाथ बटाना, जो माँ काम कहे वो काम भी करना, ठीक है। और जैसे आपने कहा था जो दूसरों की मदद करती है उसको भी, उसका भी मदद कोई ना कोई करता है, लेकिन मैंने 10वीं क्लास से सेकंड ईयर तक लगातार सबकी मदद की है महाराज। अच्छा, भगवान आपको, आपकी मदद करें, आप सुखी रहें, चलो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी मदद कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके भगवान है ना, भगवान मदद करेंगे और आपके माँ बाप मदद करेंगे। गुरुजी है ना 10 बजे उठती है, सो के गुरुजी, अब इसको बोलती हूँ लड़की है इतना टाइम अच्छा नहीं है तो क्या बोलती है गुरुजी, कोई ऐसा नहीं है सोना चाहिए बोलती है। बेटा सवेरे जल्दी जागना चाहिए, अपना कपड़ा तक नहीं धोती है गुरुजी। चलो अब वो ठीक हो जाएगी, अब वो सारा काम ठीक करेगी। गुरुजी जैसे हम एक माला लिए हैं उसी से पत्नी पत्नी जाप कर सकते हैं, पति पत्नी जाप कर सकते हैं एक माला से? माला अलग अलग होनी चाहिए, पति की अलग पत्नी की अलग। और आज ना मैं जो बोली भगवान से मेरे सब इच्छा पूरा है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, आप जैसा जैसा बोलते हैं वैसा मैं करती हूँ गुरुजी। सुखी रहिए, अब अच्छी होगी आपकी बेटी, भगवान ठीक करेंगे। खुश रहना बेटा, अब अच्छे से रहना, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे।